दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश कापड़िया माय रेडियो पर आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे महान संगीतकार रोशन साहब की। संगीतकार रोशन होत तो आपका 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ होता। 14 जुलाई 1917 को आप पंजाब के गुजरानवाला में जन्मे। आपका मूल नाम था रोशन लाल नागरथ, लेकिन वो अपने पहले नाम यानी रोशन के नाम से ही प्रकाशित हुए। अभिनेता निर्देशक राकेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन के आप पिता और माने हुए फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के आप दादा। ताजमहल के यादगार संगीत के लिए रोशन साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। गुजरानवाला जो हाल पाकिस्तान में है, वहाँ पर रोशन जन्मे। छोटी उम्र से आपने संगीत सीखना शुरू किया और बाद में लखनऊ की आज जिसे हम बातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम मॉरिस कॉलेज था, वहाँ पर आप संगीत सीखे। और उसके बाद आप दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में दाखिल हुए एक वाजिंत्र बजाने वाले संगीतकार के तौर पर। 1948 में रोशनलाल जी आए बम्बई, संगीतकार बनने की कोशिश की। छोटी छोटी उनको मौके भी मिले और आप सहायक संगीतकार भी बने और केदार शर्मा जी ने उनको पहला मौका दिया नेकी और बदी 1949 की फिल्म में। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन केदार जी के मन में बसे थे रोशन और आई बावरे नैन और पहली बार रोशन को सफलता मिली। 50 के दशक में संगीतकार रोशन ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और तलत महमूद के साथ काम किया। बल्हार, शीशम, अनहोनी जैसी वे फिल्में थीं। बाद में लता जी की गाई हुई नवबहार की रचना एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई जैसी बात आई। और रोशन देखा जाए तो हमेशा व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं थे। इंदिवर और आनंद बख्शी जैसे गीतकारों को रोशन साहब ने पहला मौका दिया था, लेकिन 60 जब आया तो 60 का दशक ऐसी फिल्में लेकर के आया जिसमें रोशन का म्यूजिक लोकप्रिय हुआ, यादगार रहा। लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मिला करके आप बेहतरीन धुन बना सकते थे। उनको ये कव्वाली को कौन भूल सकता है जो कहती थी, ना तो कारवा की तलाश है या फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जैसे गाने आपने बरसात की रात में दिए थे। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब का आरती में, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और बहुत सारे अच्छे गाने ताजमहल में आपने दिए। इसी तरह से दिल ही तो है, चित्रलेखा, अनोखी रात जैसे फिल्मों के गाने यादगार रहे। ममता के गानों के लिए भी रोशन हमेशा याद किए जाएंगे, तो देवर के लिए भी आपको हमेशा याद किया जाएगा। कव्वाली के तो आप निष्णात बन गए थे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है या और न तो कारवा की तलाश है, उनकी देन थी। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए है जैसी रचना भी आपने दी थी। रोशन अपने दिल से यानी अपने हृदय से काफ़ी परेशान रहे। जिंदगी के 20 साल, ये 20 साल जो उनके जीवन के आखिरी जीवन के थे, वो काफ़ी मुसीबत में रहे और अततः 16 नवंबर 1967 को सिर्फ 50 साल की उम्र में रोशन हृदय रोग के शिकार बने और उनके सामने हार गए। उनके पीछे छूट गई पत्नी, 2 संतान यानी 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन रोशन हमेशा रोशन रहेंगे उनके गानों से, उनकी बेहतरीन रचनाओं से। आइए रोशन साहब को याद करते हैं उनकी कुछ यादगार रचनाओं से। शुरू करते हैं बरसात की रात की वही यादगार कव्वाली जिसके रोशन साहब का नाम ही रोशन हुआ है। Thank you.
ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो ना तो ना तो कारवा की, हाँ ना तो कारवा की, ओ ना तो कारवा, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौके खाना खराब को, मेरे शौके खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौके खाना खराब को तेरी गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को, मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, से रोकी ना गई,
किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। जिससे आगा नहीं शेख ब्रह्मन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क न पूछे है इश्क न पूछे दीन धर्म नो, इश्क न पूछे जाता इश्क के हाथों कर्म लहू विच ढुपिया लख पराता दे दे इश्क। ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। राह उल्फत की कठिन है इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मद निधर धनी पमा मद निधर निधर निस निधर धनी स तनि धनी दपा दप मम प पसा, लाज राख मोरे जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, हाय बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई बिस का प्याला। और फिर अर्ज करी के का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है कुरान इश्क है।
गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, काक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह के बंदे को खुदा करता है इश्क। ये एक बेहतरीन कव्वाली है जो कि न सिर्फ रोशन साहब के बल्कि हिंदी फिल्मों की एक यादगार रचना है। हमेशा याद किए जाएंगे रोशन जी इस कव्वाली के लिए। ये थी फिल्म बरसात की रात से। आइए रोशन साहब का एक गाना सुनते हैं फिल्म ममता से। गायिका है लता मंगेशकर। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल में, दावा था जिन्हें हम दर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। महफिल में बुलाया है हम पे, महफिल में बुलाया है हम पे, हंसने को सितमगारों की तरह, हंसने को सितमगारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल, बरसों के सुलगते तन मन पर, अशकों के तो छींटे दे न सके, अशकों के तो छींटे दे न सके। तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर, बरसे भी तो जिनके दिल में। स्वरूप भरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए। ठोकर न जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल में। और अब सुनते हैं एक और अजरा अमर गीत रोशन साहब के संगीत में सजा और मन्नाडे की आवाज में गाया हुआ यह नगमा। फिल्म है दिल ही तो है।
लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग दिन तनन दिदतानुम तनदेरे न दिन तनन दिदतानुम तदेरे न दिन तनन दिदतानुम तदेरे न दिम न देरे देरे तान देरे तान तुम दृदारे तारे दानी दिन तनन न दिदर 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 दानी 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 दिन तनन दिदतानुम तनदेरे न दिम तनन दिदतानुम तदेरे न सब ससुर नतीन ग्राम बंसी बाजे रेत तन तन निद निद तप मग मधग मगर सा धाद कृत धाद कृत चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झन के झन नन नन नन
नदरद दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदरद तानु तान नदेरे नदीन तन नदरद तान नुम तदेरे नदीन तन नदरद तान dim tanana dirda tanum tanana dere nadim tanana dirda tanum tanana dere nadim tanana dirda tanum tanana dere nadim tanana dirda tanum tanana nadim tanana dirda tanum dirda ta संगीतकार रोशन के संगीत में सजी, मन्नाड़े साहब के आवाज में सजी, राज कपूर के लिए बनी फिल्म दिल ही तो है की यह थी एक यादगार रचना। रोशन साहब का एक और बेनमून गाना सुनिए, फिल्म का नाम है मल्हार। कसम ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। निगाहों से कहीं जाएंगे हम वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढू कहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढू कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम ओ मोहब्बत ना हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। फिल्म मल्हार के इस गाने के बाद आइए केदार खर शर्मा साहब की लिखी
और रोशन के स्वरबद्ध की गई एक और रचना सुनते हैं। राज कपूर के लिए बनी थी यह रचना, फिल्म थी भावरे नैन। ख्यालों में किसी के इस तरह आया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते ख्यालों में किसी के इस तरह आया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया, नहीं करते जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया, नहीं करते दिलों को रौंद कर। पाया नहीं
फिल्म रोशन साहब के संगीत से सजे गाने के स्पेशल प्रोग्राम में हम सुनेंगे लता मंगेशकर को मीराबाई की यह यादगार रचना गाती हुई। यह है फिल्म नवबहार का गाना। हिंदी फिल्मों के यादगार गीतकार आनंद बख्शी साहब को पहला मौका दिया था संगीतकार रोशन ने, और इसी तरह से बख्शी साहब की यादगार रचना कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे वो भी रोशन के संगीत में ही हमें मिली। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल। आइए सुनते हैं। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। भी खुली न थी के हाय धूप ढल गई पाँव जब तलक उठे के जिंदगी फिसल गई पात पात झल गए के शाख शाख जल गई चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए सपन हो दफन गए साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे।
क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा के जो मिला नजर उठा एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली लुट गई कली कली के घुट गई गली गली और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे सांस की शराब का खुमार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दो होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार दो दर्द था दिया गया के हर दुखी को प्यार दो और सांस यूं के सर्ग भूमि पर उतार दो भूमि पर उतार दो हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर और हम डरे डरे नीर नैन में भरे उड़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे भर चली के एक जब नई नई किरण ढोल के धुनक उठी धुमक उठे चरण चरण शोर मच गया चलो चली दुल्हन गाँव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन बहक उठे नयन नयन पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे सपन झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे रोशन साहब के संगीत में मोहम्मद रफी साहब की गाई हुई यह रचना थी फिल्म नई उम्र की नई फसल। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर से एक यादगार रचना जो कि रोशन साहब को हमेशा याद करवाएगी। फिल्म का नाम आरती, लता जी की आवाज। आइए ये गाना सुनिए। कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही बहारों की मंजिल राही कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही
तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है। नजारों की मंजिल राहे, बहारों की मंजिल राहे। आहा सुनिए मुकेश जी के गाए हुए इस रचना को। रोशन के संगीत में बनी थी फिल्म देवर के लिए, और यह भी एक यादगार रचना है। पहाड़ों ने मेरा चमन लूट कर, खिजां को ये इल्जाम क्यों दे दिया। किसी ने चलो दुश्मनी की मगर, किसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, सजा की जगह एक खता वार
दोस्तों ये ऐसे नगमे हैं जो हमेशा रोशन जी की याद दिलाते रहेंगे। ऐसी एक और रचना राज कपूर के लिए फिल्म दिल ही तो है मैं बनाई थी रोशन जी ने, गायक कलाकार मुकेश जी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना कराहो, मेरे गम में ना कराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में कराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फिल्म दिल ही तो है का ये गाना था जो राज कपूर के लिए बनाया था रोशन साहब ने। अब सुनिए मीना कुमारी के लिए बनाए गाना, लता जी की आवाज़ है, रोशन का संगीत है, फिल्म का नाम है भीगी रात। जाने
ये थी फिल्म बिगी रात की रचना, जो कि मीना कुमारी के लिए बनी थी। संगीतकार थे रोशन साहब। वही मीना जी के लिए बना एक और गाना जो फिल्म बहू बेगम में आया, रोशन की एक और यादगार रचना। नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो और तू आए। खुदा करे के कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। रोशन साहब के यादगार संगीत से सजी मुकेश जी की आवाज में गाई ये रचना सुनिए। फिल्म है अनोखी रात, जहां अभिनेता थे हमारे खुद के संजीव कुमार साहब। सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ओहरे
सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, उमितवारे जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने हो तो पर क्यों पहचाने, गीत है पहचाने, गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है, उम्मीदवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में। संगीतकार रोशन के संगीत से सजी और महान गायक तलत महमूद की आवाज में बंधी ये रचना सुनिए। फिल्म का नाम है अनहोनी। पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, खुद मैंने हुस्न के हाथों में शोखी का छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया, आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में, मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे खजाने कुछ भी नहीं, यूं मुझसे निगाहों को
संगीतकार रोशन की यादगार रचनाओं का एक विशेष प्रोग्राम, और इसमें सिर्फ 50 साल की उम्र में और वो भी 20 साल तक हृदय रोग की पीड़ा से पीड़ित ऐसे ये महान संगीतकार जब इस दुनिया से चल बसे, तब उनके लिए हम क्या याद करें। यही गाना जो कि फिल्म ममता में आपने कंपोज किया था, लता जी ने गाया था। बिल्कुल सच में यही बात आज भी हमारे जहन में आती है। बन के कली, बन के
लता जी की गाई फिल्म ममता की इस रचना के साथ यादों को हम संजोर कर ख़त्म करते हैं ये प्रोग्राम, स्पेशली जो बना था संगीतकार रोशन साहब की याद में। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप उसे सुन रहे थे आपके दोस्त नरेश कापड़िया के साथ माई रेडियो पे। माई रेडियो, सुनते रहे, सुनाते रहे।